हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ऐसे रियल नंबर की थ्योरी बहुत सारी है, अगर हम लोग उसको डिस्कस करें तो एक दो घंटे इजीली लग जाएंगे। पर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा इसकी थ्योरी डिस्कस ना करते हुए हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे कि इसके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे इसमें जो फर्स्ट टाइप आता है वो आता है एचसीएफ फाइंड करना। जैसे अगर आप बुक का पहला क्वेश्चन देखेंगे तो बाई यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 बाई यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम बोलते हैं, बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग क्या करेंगे, जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दो नंबर हमेशा देगा तो उसमें से एक नंबर को आप बनाएंगे ए, जो बड़ा नंबर होगा। तो बड़ा नंबर कौन है, 225, और छोटे नंबर को आप बनाएंगे बी, तो बी कितना हो जाएगा, 135। इस प्रोसेस में क्या करेंगे, हमेशा बड़े नंबर को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर से। तो बड़ा नंबर कौन हुआ, 225, इसको किससे डिवाइड करोगे, 135 से। सभी को पता है कितनी बार डिवाइड होगा, 1 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 135। जैसे आप लोग माइनस करना शुरू करेंगे तो 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 मतलब 9, और 1 माइनस 1 मतलब 0। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने देखा कि आपको जो क्वेश्चन जो मिला है वो कितना मिला है, 1, और रिमाइंडर जो मिला है वो कितना मिला है, 90। हम यहाँ पर लगाएंगे लेमा। अगर हम लेमा की बात करें तो ऐसे हम लोग क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे इसको। अभी आप ध्यान रखें कि जो लेमा जो होता है वो होता है आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपने देखा होगा कि a हमारे पास कौन है, 225, इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे। b हमारे पास कौन था बेटा, 135, इंटू है तो इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास, 90। तो हम यहाँ पर q की वैल्यू हमारे पास है 1, और प्लस r यानी रिमाइंडर कितना हमारा, 90। ये फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम अगर चलें सेकंड स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड स्टेप में भी वैसे ही चलना है। कैसे चलना है बेटा, कि जैसे पिछली बार हम लोगों ने दो नंबर लिए थे, कौन सा, एक ए और एक बी। अब इस बार भी ए बनेगा, लेकिन ए कौन बनेगा, ए वो बनेगा जो पिछली बार बी था। तो पिछली बार बी कौन था आपको, देखो बेटा जल्दी से, पिछली बार जो बी था वो आपका 135, इस बार ए कौन हो गया आपके पास, 135। और बी कौन बनेगा, जो पिछली बार आर था, तो आर कितना है आपके पास, 90। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, बी। तो बी कितना हो गया, 90। फिर वही प्रोसेस को फॉलो करना है, वापिस बड़े नंबर को क्या करो, छोटे नंबर से डिवाइड। तो बड़ा नंबर इन दोनों में कौन है, 135, छोटा नंबर कौन है आपके पास, 90। जैसे डिवाइड करोगे कितने टाइम, 1 टाइम, कितना आ जाएगा बेटा, 90। अब आप माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, 5, और यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 0, यानी कितना आ गया, 45। अब आपने क्या देखा कि आपको क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन कितना मिला आपको, 1, आपको रिमाइंडर मिल गया, रिमाइंडर कितना मिला, 45। अगेन आप क्या लगाओगे बेटा, बाय लेमा। तो अगर लेमा की बात करोगे तो वो क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आपके पास a तो है, a कितना है आपके पास, 135, तो आप a की प्लेस पर कितना लिखोगे, 135, इक्वल है तो इक्वल, b की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 90। अब आप देखिए q कितना है आपके पास, रिमाइंडर q, देखिए क्वेश्चन कितना आया था आपके पास, 1 प्लस r यानी रिमाइंडर, और वो कितना आपके पास, 45। तो ये कौन सा हमारा, सेकंड स्टेप भी क्या हो गया, कंप्लीट। नाउ वी गो फॉर थर्ड स्टेप। अगर हम लोग थर्ड स्टेप की बात करें तो वापिस से सेम प्रोसेस बेटा, जो पिछली बार क्या था, बी, वो इस बार क्या बनेगा, ए। तो पिछली बार बी कौन था, आप बी को देखिए, पिछली बार बी था आपके पास, 90, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ए। तो ए कितना हो गया, 90। अब बी कौन बनेगा, बी वो बनेगा जो पिछली बार आर था, तो पिछली बार आर कौन था, आर क्या था आपके पास, 45, तो ये क्या बन जाएगा इस बार आपका, बी मतलब कितना हो गया, 45। वापिस सेम प्रोसेस, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, बड़े नंबर को, बड़ा नंबर कौन है, 90, छोटा नंबर कौन है आपके पास, 45। आप डिवाइड करिए, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, कितना आया बेटा यहाँ पर, 90, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। आपने क्या देखा कि आपको क्वेश्चन मिल गया 2, आपको क्या मिला, रिमाइंडर कितना मिला आपको, 0। क्या लगाओगे आप लोग, बाय लेमा। और अगर आप लेमा लगाते हैं तो लेमा क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आपके पास a है, a कितना आपके पास, 90, इक्वल है तो इक्वल, b की वैल्यू है आपके पास, b यानी पिछली बार कितना होता, 45, q कितना आया, 2, रिमाइंडर कितना आया, 0। रिमाइंडर क्या आया, 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने किससे डिवाइड किया, आपने किससे डिवाइड किया, 45 से। तो 45 क्या हो जाएगा आपका, HCF। हम बोल सकते हैं कि HCF ऑफ 225 एंड
135 is 45। सिमिलरली इस प्रोसेस का यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जहां भी दो नंबर दिए होंगे इजीली बड़े नंबर को ए बनाइए, छोटे नंबर को बी बनाइए और ये प्रोसेस को फॉलो करिए। जब तक फॉलो करिए कि जब तक आपको रिमाइंडर जीरो ना मिल जाए, और जैसे ही रिमाइंडर जीरो मिलेगा तो आपको देखना है कि किसके डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एचसीएल। अभी मैं दो से तीन क्वेश्चन और सॉल्व करके बताऊंगा, आप इजीली इस प्रोसेस को सीख जाएंगे, 100% आप घर पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके।